morning. Hello everyone. Today we will start class 5th, unit 5th. We have done up to unit 4th, 4.1, 4.2 and 4.5 also. Okay. But there are some questions remaining in the 4.5 exercise. Okay. First of all, we will do 4.5 exercise in the orally. First question, divide and check your answer. आपको क्या करना है इस question में? Divide करना है और उसके बाद में आपको answer check करना है. Divide करने के बाद में आप answer कैसे check करेंगे? आपने divide किया पूरा आपके पास divisor, divided, क्या क्या होगा आपके पास quotient and remainder. आपने उस formula में रखिएगा divisor multiply quotient plus remainder. उसमें आप जो value रखेंगे, आपका अगर divided same आ रहा है तो आपका आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आंसर क्या है आपका रॉन्ग है. ठीक है, तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉस्ट ऑफ द 216 शर्ट्स इज 335,232. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट. तो आप बताइए मुझे कि आपकी वन शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी. क्या करते हैं हमेशा जब भी आपको बड़ी संख्याएं दे रखी हो और आपसे एक की वैल्यू पूछ ले, यहाँ कोई एडिशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सम करने के लिए नहीं बोला आपको, या कोई लेफ्ट पूछा है कि आपसे सब्ट्रैक्शन होगा? नहीं, ये भी नहीं पूछा कि एक चीज में इतने रुपया, एक चीज इतने रुपए की आती तो बताओ इतने कितने की आएंगी, ये भी नहीं पूछा. इसने बोला है कि इतनी शर्ट इतने की आती है, बताओ एक कितने की आएगी, तो क्या होगा? साफ ही दिख रहा है डिवाइड होगा. ठीक है, तो मैं आपको हिंट देती हूँ, आप इसे खुद कर लीजिएगा. ये वाला क्वेश्चन तो वही गया कि कॉस्ट ऑफ 216 शर्ट्स इज इतने रुपए, फाइंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वन शर्ट. मींस आप कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 216 शर्ट्स इज इक्वल्स टू 335,232. देन आपको बताना है कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 335,232 डिवाइडेड बाय द 216. और आपको क्या कर लेना है, इसमें अपना भाग लगा लेना है और आंसर कर लेना है. अगर मान लो आपको कुछ भी पता करना हो, आंसर चेक करना हो, क्या करो, डिविजन को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें रिमाइंडर एड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेट टू नंबर्स बी, क्या होंगे हमारे ए एंड बी. कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 269,298. ओके, ये आपका क्या दे रखा है, सो 928. ये आपका प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर्स का, बोल रहा है कि एक नंबर उसमें से 552 है, अदर नंबर बताओ, कोई भी नंबर मान लो, ए है आपका 552, अब कह रहा है बताओ बी क्या होगा, ए की जगह रख दो 552 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 269,928, बताओ बी क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में कहाँ से लग जाएगा, डिवाइड में, तो 269,922 में डिवाइड हो जाएगा किसका, 552 का, आपका आंसर निकल जाएगा. ये डिवाइड मैंने आपको सिखा रहा था, क्या करना है आपको भाई, भाग लगाना है इसका, 269,922 में भाग लगाना है किसका, 552 का, और आपका क्या जाएगा आंसर, पूरा की पूरा निकल के आ जाएगा. फिर उसके बाद में उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. बोला है आपको डिवाइड द 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, बताओ 8 डिजिट लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 8 times 9. ठीक है, ये हो गया 8 times 9. कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट क्या होता है, 999. इससे आपको डिवाइड करना है, कह रहा है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, इसका क्वोशेंट बताना है, इसका रिमाइंडर क्या बताना है, कुछ रिमाइंडर बचेगा इसका वो बताना है, क्वोशेंट बताना है. क्वेश्चन मान लीजिए मैं भाग भी लगाती हूँ, कितने टाइम्स आएगा, 1 time, क्या बचेगा 0, फिर ऊपर से 9 उतारा मैंने एक बार, भाग नहीं जाएगा, फिर 0,
फिर 9, फिर बाहर नहीं जा रहा, फिर एक बार 0, फिर 9, कितने 9 उतर गए मेरे, 3 तो हो चुके थे, 3 और उतर गए, यहाँ तक हो चुका है। फिर अगेन वन टाइम भाग लगाऊंगी, कितनी बार जाएगा, जाएगा एक, मतलब चला गया पूरा पूरा एक बार ही। फिर 9 उतारा मैंने, फिर लगाऊंगी 0, फिर 9 उतारूंगी, अभी भी 99। अब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास उतारने के लिए, तो भाग तो इतने टाइम चला गया, क्या मिल जाएगा आपको 99। अब इसका क्वेश्चन बता देना है आपको, इसका क्या बता देना है, इसका रिमाइंडर बता देना है। अब ध्यान से देखो, ये जो 99 था, क्या रिमाइंडर बचा है? नहीं, ये भाग रूप के जीरो पे बचा है। देखो ये 9 तो पहले उतार दिया मैंने, इस 9 का भाग, इस 9 का, इस 9 भाग भी जा रहा, तो जीरो लगा के ही 9 उतार दिया। अब बताओ इस संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो भी क्या लगेगा, एक और जीरो लगेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है। अब ये रिमाइंडर है, अगर ये घट के बचता ना तो हम भाग जीरो लगाते, पर ये घट के नहीं बचा, ये आपका भाग ना जाने की वजह से बचा है, तो आप क्या लगाओगे इसको, 100100, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 9,36,243 क्लिप्स, इतनी क्लिप बना रही है इन 21 वीक, 21 वीक में इतनी क्लिप बना रही है, बताओ एक दिन में कितनी बनाएगी, 21। आप क्या इसको 21 से भाग लगाएंगे क्या, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी। यस, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स मेड इन 21 डेज, सॉरी 21 वीक से, के डेज है 21 वीक से, कितने बना रही है, 9,36,243, क्या बना रही है, इतनी क्लिप्स बना रही है। अब कह रहा है कि बताओ एक दिन में कितनी बनाएगी, जब एक दिन पूछा है, मैंने बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए, जब डे में पूछा है और आपको ये वीक में दे रखा है कि इतने वीक में इतनी बना रही है, एक दिन में, डे वीक में रखा है, पूछा दिन है, मतलब मैं किसको कन्वर्ट करूँ, पहले वीक को दिन में कन्वर्ट करूँ, तो बताओ 21 वीक्स में डे कितने होंगे, 21, एक वीक में कितने होते हैं 7 दिन, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 147 डेज आ जाएगा। इसको क्या ले सकती हूँ मैं, एक तरीके से क्लिप्स मेड इन 147 डेज, इसको बदल लिया मैंने, कितनी बना रही है, ये बना रही है। अब बताओ क्लिप्स इन वन डे कितनी बनेगी, एक दिन में भाग लगा दो 9,36,243 में किसका भाग लगाऊंगी, 147 का। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, इस 21 का भाग लगा देंगे, पर बेटा आपसे पूछिए वन डे की, अगर 21 का भाग लगाओगे ना तो वीक में आंसर आएगा, हाँ एक और काम कर सकते हो आप, लगा लो, अगर आपने इसमें 21 का भाग लगाया है कोई बात नहीं लगा लो, लेकिन वो आ रहा है कि इतने वीक्स में इतना बना लिए, फिर दोबारा भाग लगाना पड़ेगा आपको, मानो 21 का भी लगा दिया आपने, ठीक है आंसर आया 21 से, करके देख लो इसको, 24 जा 23 जा 63 24 जा 84 25 जा 105 24 जा 84, ठीक है 13 में से फोर गए तो 9 बचता है 0। अब देखो ध्यान से, आप ऊपर से उतारूंगी 6, कितना फिर कितना जाएगा, 24 जा 84 21 4 जा 84, फिर कितना बनेगा, 6 में से फोर गया था 2 और 9 में से 8 गया तो 1, फिर 12 बचा, फिर ऊपर से 2 उतारा कितना जाएगा, 5 times 105, कितना बचा, 12 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 रह गया यहाँ पर, 1 का 1 और ये 0 का 0, कितना बचा, 17 बचा, तो तब उतर ही गया मेरा, उतारूंगी मैं 4, कितनी बार भाग जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 168, 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बचा, यहाँ पर कितना रह गया, 6 minus 6 0, ठीक है। अब क्या उतारूंगी ऊपर से, बस 3, 21 3 जा 63, चला गया पूरा पूरा भाग, कितना कितने टाइम्स गया,
फोर फाइव एट थ्री टाइम्स गया, लेकिन यह आया है आपका एक वीक में। एक वीक में जो क्लिप बन रही है वो इतनी बन रही है, क्योंकि अगर आपने 21 का भाग लगाया तो कितने वीक का आएगा? एक वीक का आएगा। मुझे चाहिए एक दिन का। एक वीक मतलब कितने हो गए? सात दिन। सात दिन में कितनी क्लिप बन रही है? इतनी बन रही है, तो बताओ एक दिन में कितनी बनेगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर इसमें दोबारा सात का भाग लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए मैंने आपको क्या किया, पहले यही कन्वर्ट कर लो ना इसको, और डायरेक्ट ही आप 147 से भाग लगा दो, तो एक बार ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। तो या तो इसको पहले कन्वर्ट करके 147 से भाग लगा लो, नहीं करना है तो 21 से डिवाइड करना चाह रहे हो 21 से कर लो, लेकिन वो एक वीक का आएगा, फिर दोबारा भाग लगाना पड़ेगा। अभी सोचना आपको कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1526 बुक्स कैन बी पैक्ड इन ईच कार्डबोर्ड बॉक्स। प्रत्येक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर 1526 बुक्स रखी जा रही है। हाउ मेनी सच बुक्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 648,550 बुक्स। अब इतनी सारी बुक्स को पैक करने के लिए कितने बुक्स की जरूरत पड़ेगी? मैंने बोला कि जब भी आपको नंबर ऑफ बॉक्स पूछे या नंबर ऑफ चीज पूछे तो क्या करना है, आपको हमेशा डिवाइड ही करना है। तो इसमें डिवाइड करना है कितना, 1526 का आंसर आ जाएगा। तो ये होती है आपकी 4.5 कम्प्लीट फिकेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा बोर्ड मास रूल। क्या होता है ये बोर्ड मास रूल? बोर्ड मास मीन्स होता है आपका बोर्ड मास। बी ओ डी एम ए एस, बोर्ड मास मीन बी मीन्स ब्रैकेट्स। अब वो ब्रैकेट्स कोई से भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपके तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं, सबसे बड़ा, बीच वाला और सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना। सेकंड आता है आपको ऑफ से बनता है ऑफ। ऑफ का मतलब भी क्या बन जाता है बाद में जाकर, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन पहले सॉल्व होगा कौन? ऑफ। पहले उसको सॉल्व नहीं होगा, मल्टीप्लाई, पता चले कि आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व ही नहीं कर रहे। बी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। दिस इज योर बोर्ड मास रूल। ओके, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारा? अगर हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आपको बहुत बड़ी लंबी सी इक्वेशन दे रखी है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जितने भी ब्रैकेट से उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्रायोरिटी देंगे किसको, ऑफ को देंगे, फिर डिवीजन को देंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को देंगे, फिर एडिशन को प्रायोरिटी देंगे, एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देंगे। ओके, सब इस पर प्रेजेंट क्वेश्चन करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट 13 × 2 − 4। क्वेश्चन नंबर वन क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले मैंने कहा इक्वेशन में देखो कितने ऑपरेशन है, सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई और माइनस है। बोर्ड मास में पहले कौन बड़ा होता है? पहले बड़ा मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस होता है। पहले कौन सा होगा? मल्टीप्लाई। तो कर दो 13 × 2 = 26, बाकी को एज इट इज लिखो। अकॉर्डिंग टू मी हमेशा पहले एक ऑपरेशन ही एक लाइन में लगाओ, नेक्स्ट। अब मुझे पता है आपको आ गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस फोर कर दिया, पता चले डायरेक्ट लिखो, नहीं, उस चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखो। पहले आप एक ऑपरेशन को सॉल्व किया, दूसरा अगले स्टेप में लगा देंगे, सेपरेट हो जाएगा। 26 में से 4 करोगे कितना बचता है? 22। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 24 / 8 मल्टीप्लाई 3 + 3। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका, सॉरी, प्लस मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 × 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो था मल्टीप्लीकेशन और माइनस, कोई दिक्कत नहीं है,
अब आ जाओ वर्ड मास पे। डिवीजन पहले बड़ा होता है, फिर कौन होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस। तो डिवीजन सबसे बड़ा है, फिर मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, फिर प्लस होगा। तो पहले डिवीजन होगा। अब मैम किस किस को करें डिवीजन? जिन दो संख्याओं के बीच में डिवीजन है ना, उन दोनों का ही डिवाइड करना है। जिन दो संख्याओं के बीच में प्लस है उन दोनों का प्लस होगा, जिन दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिवाइड किस किसके बीच में? 24 8 के बीच में, इनका डिवाइड कर दो। 24 में अगर मैं 8 का भाग लगाऊंगी तो कितनी बार जाता है? 3 टाइम्स। कितना आ गया यहाँ पर? 3 आ गया। प्लस अभी इसको एलिपेस लिख दो, इकट्ठा नहीं करेंगे एक साथ, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट आप लगाओ, क्या लगाओगे? 3 3 जा मल्टीप्लाई करना है इसको, तो रहने दो एलिपेस। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का प्रश्न लगाएंगे। 3 3 जा 9। अब क्या कर दो, 9 + 3 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 + 3 12। ठीक है, अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3। ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव माइनस 2 × 3 प्लस 9। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले क्या होगा? डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, चारों साइन है, चारों ऑपरेशन है। सबसे बड़ा होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस। ठीक है, तो पहले डिवाइड कर ले किन दो संख्याओं के बीच में? 20 और 5 के बीच में। 20 में अगर मैं 5 का भाग लगाऊंगी कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, बाकी को एज इट इज लिख दो, बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब बताओ क्या होगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किन दो के बीच में? 2 और 3 के बीच में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 − 2 = 6 प्लस 9। अब बताओ क्या करेंगे? प्लस, 4 के आगे प्लस है, 9 के आगे प्लस है, तो 4 + 9 कितना जाएंगे? 13। बाकी एज इट इज लिख दो −6। अब 13 + 6 तो कितने बचते हमारे? 7, आ गया 7 आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? इसको सॉल्व। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो मैं करवाने वाली हूँ। एच या 8 नंबर का मान लो, ठीक है, 102 − 12 × 6 प्लस 12 / 2। अब ध्यान से देखिए, वही डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस, सबसे बड़ा कौन है? डिवाइड है। तो पहले कौन सॉल्व होगा? पहले होगा डिवाइड, बाकी को एज इट इज लिख दो। पहले डिवाइड को सॉल्व कर दो, किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो 12 में मैं 2 का भाग लगाऊंगी तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट? डिवाइड बोलो खत्म, डिवाइड के बाद में पकड़ेंगे मल्टीप्लाई। किन दोनों के बीच में? 12 और 6 के बीच में। 12 × 6 = 72, फिर प्लस 6 एज इट इज लिख दो। अब किस किस को करेंगे? प्लस प्लस को करेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। 102 में प्लस 6 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? ये 108 बन जाएगा −72। अब 108 में 72 गए तो कितना बचेगा? 108 में से आप लिख कर देख लो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6 बचता है। 10 में से 7 गए तो कितना बचता है? 3 बचता है। क्या आ गया यहाँ पर? 36 इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, 3 and 1/2, 2 and 2/7 मल्टीप्लाई 14/16 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय द 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे करने में बहुत सारे बच्चे गलतियां भी करेंगे डेफिनेटली, पर सबसे पहले कुछ भी सॉल्व करने से पहले ये देखें कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को, ये मैं बता दूं पहले, जो ये किसकी फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म है, फ्रैक्शन अभी पढ़ा नहीं है हमने, अब आएगा आगे आपके। तो मैं पहले बता दूं ये कौन है, ये फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/2 के जो फॉर्म में होते हैं सब क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। अभी जो 3 मल्टीप्लाई करके और 1/2 होता है, इस तरीके से 3 3 संख्या होती है जिस फ्रैक्शन में, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम किसमें चेंज करेंगे? पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो भी आने वाला है हमेशा मिक्स फ्रैक्शन किसमें चेंज होता है? इम्प्रॉपर में, नॉट अ प्रॉपर, बिकॉज हमेशा ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। तो मैं आपको बता दूं पहले जो फ्रैक्शन होता क्या है।
फ्रैक्शन कुछ ऐसे फॉर्म में होता है। दूसरा फ्रैक्शन आपके दो तरीके से होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कौन सा होता है बेटा? प्रॉपर मतलब हिंदी में उसे बोलते हैं उचित, उचित मतलब तो ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली अगर बड़ी हो, लाइक 2/7, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाली बड़ी हो जाए और नीचे वाली छोटी हो जाए तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर, लाइक 13/7 क्या हो जाएगी ये? इम्प्रॉपर। अब इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक से। ट्रिक क्या याद करें इसके लिए? पप्पू अपॉन पापा। पप्पू क्या है? एक बेटा है और पापा जी बड़े हैं। अब अगर पप्पू छोटा है, अगर पापा जी के कंधे पे पप्पू बैठे तो वैलिड है ना कि नहीं है? उचित है, क्योंकि पापा क्या कर लेंगे? पप्पू का वजन सेम कर लेंगे। तो अगर पापा के ऊपर पप्पू बैठ गया तो ये क्या है? प्रॉपर। तो किसमें चला जाएगा? प्रॉपर। देखो छोटा हमेशा ऊपर आता है और बड़ा हमेशा नीचे, तब तो वैलिड है। लेकिन अगर पापा के ऊपर पप्पू बैठ गए, पप्पू के ऊपर पापा बैठ जाए कि पहले बड़ा ऊपर चला जाए छोटा नीचे, तो बेचारा पप्पू तो तभी जाना है, तो वो क्या हो गया? अनुचित। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब पापा ऊपर आ जाए पप्पू नीचे चला जाए, और प्रॉपर कब हो जाएगा? जब पप्पू ऊपर ही हो पापा नीचे हो। तो ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो आपको बदलना है इम्प्रॉपर में। अब इसे बदलते कैसे वो देखिए आप लोग अच्छे से। हमेशा इसको करते हैं 3.5, तो कैसे करेंगे? पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, फिर उसमें इस 1 को जोड़ देंगे, 7/2। तो मैं करके दिखा देती हूँ, अभी तो आप इतना ही सीख लो बस। 2 3 6, 6+1 7/2 प्लस इसको करो 7 2 14, इस 14 में क्या जोड़ देंगे हम? 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 16/7। अभी बस इतना ही सीख लो, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई, अभी 14/16 को रहने दो। अभी सिर्फ हम ये 3-3 नंबर वाली संख्या इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई, साइन सब कुछ वही रहेगा, बस इनको चेंज कर रहे हैं। 2 2 4, 4 में जुड़ा कितना बना? 5/2 डिवाइड बाय द 2। सब कुछ हमने कुछ भी नहीं किया चेंज, हमने सेम लिख दिया। अभी सब चीजें फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में बना लो, नीचे मन लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब देखो बताओ मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले कौन सॉल्व होगा इनमें से? डिवाइड सॉल्व होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। 7/2 + 16/7 मल्टीप्लाई 14/16 मल्टीप्लाई। अब 5/2 को डिवाइड करना है 2/1 से। देखो ये 5/2 डिवाइड 2/1, इसको तो क्या रहने दीजिए आप? 5/2 ही। जब इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट, 1/2। सुना है ना आपने? जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो हमेशा क्या होता है? ये 1/1 में चला जाता है। कौन सा? पीछे वाली संख्या। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है? मल्टीप्लाई बदल दिया, उसको उल्टा कर दिया, 1/2, ठीक है? तो ये हो गया आपका 5/2 मल्टीप्लाई 1/2। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इसको काट देंगे, बल्कि ये सही नहीं है। 5/2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1/2 से। क्या बन गया ये? 5/4। तो लिख दो डायरेक्ट में, यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्ट 5/4। कैसे बना वो? इस तरीके से बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? मल्टीप्लाई। अब अगर दो मल्टीप्लाई दे रखी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कर दो। करें 16 से 16 कट गया, तीनों को ऐसा सॉल्व कर लो। 7 से काट दो, 7 1 7, 7 2 14। अब 2 से काट दो, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ गया ये? 5/2। इधर तो बचा 7/2, इन सबको मल्टीप्लाई को सॉल्व करने पर क्या है मेरे पास? 5/2। नीचे 2 क्या ले लूँ मैं? कॉमन या एलसीएम ले लूँ इसको, क्योंकि सेम है। ऊपर क्या बचेगा? 7 + 5, तो क्या बनेगा आपका? 12/2। 2 1 2, 2 6 12, तो क्या आंसर आ गया बेटा? 6 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेने हैं। हो सकता हूँ मे बी आपको एक बात में ये समझ ना आए, थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि आपको फ्रैक्शन भी नहीं आते होंगे और ना ही आपको एलसीएम आते होंगे ठीक से। लेकिन बेटा मैंने एलसीएम पढ़ा है आपको, आप ध्यान से उस टॉपिक को देखें, तो मुझे नहीं लगता आपको शायद एलसीएम लेना भी आता होगा। एलसीएम लेना मैं बता देती हूँ आपको, जब भी नीचे सेम संख्या हो हमेशा सेम एलसीएम आ जाता है, और ऊपर वाली संख्या को एडिटिव जोड़ दो। मुझे पता है ना तो अभी आपको एलसीएम आते होंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे हम 6 यूनिट में, जो फैक्टर्स आने वाली है,
और जो आपकी फिक्स फ्रैक्शन वाली चीज है वो पढ़ेंगे हम सेवन्थ यूनिट में। तो आपकी दोनों चीजें इसमें आ चुकी है, कोई बात नहीं, एक या दो क्वेश्चन में आई है बस। तो आप पहले थोड़ा सा इसको बार बार कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो बाद में कब आएगा, जब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और जो वो पढ़ लेंगे ना फैक्टर्स, तब आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चन कर लेने। 5.1 बहुत ही ईजी है, आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि आपको सिर्फ बोर्ड मास अप्लाई करना है। बोर्ड मास भी नहीं है इसमें, ब्रैकेट का तो यूज ही नहीं है यार अभी तो, इसमें सिर्फ डी मास चल रहा है, मतलब ना तो ब्रैकेट का यूज है ना कहीं ऑफ का यूज आया अब तक डी एम ए एस का यूज आया है, सिर्फ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन करना, देन फिर सब्ट्रैक्शन कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। We'll meet in the next video with the exercise 5.2 again, okay? Bye bye, take care.